मात्र 7-8 दिन बचे हुए हैं आईपीएल 2022 के मेगा ऑक्शन में। और गाइस ये मेगा ऑक्शन काफी बड़ी नीलामी रहने वाली है, जहां पे हमें काफी बड़े बड़े जो खिलाड़ी रहने वाले हैं वो अपने टीम को ढूंढते हुए नजर आने वाले हैं, टीमें बोली लगाते हुए नजर आने वाली। स्पॉट काफी ज्यादा है, प्लेयर्स काफी ज्यादा है, पैसे काफी ज्यादा है और महानीलामी का क्रेज काफी बढ़ चुका है। और गाइस आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ कि चेन्नई सुपर किंग अपने बचे हुए 48 करोड़ में वो कौन से 21 यानी 21 प्लेयर्स किस किस्म के प्लेयर्स पे बोली लगाते हुए नजर आने वाले हैं। यानी गाइस वीडियो काफी डिटेल है, काफी इंटरेस्टिंग है, अभी से लेके पूरा एंड तक देखिएगा। और वही हमारी रोड चल रही है कि यहाँ पे जब तक मेगा ऑप्शन होता है हमें 25K सब्सक्राइबर करवाने हैं, तो भाई चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए दोस्तों हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो गाइस सबसे पहले हम लोग बात करने वाले हैं चेन्नई सुपर किंग की। तो चेन्नई की बात कर लिया जाए तो चेन्नई के पास जो रिमेनिंग पर्स वैल्यू है वो 48 करोड़ है, यानी कि 48 करोड़ रुपए चेन्नई के पास मौजूद है इस बार के मेगा ऑक्शन में खर्च करने के लिए। और इनके पास जो स्पॉट बचे हुए हैं वो 21 प्लेयर यानी 21 खिलाड़ियों को ये खरीद सकते हैं, जिसमें भी अगर हम लोग बात करें तो 14 इंडियन प्लेयर्स रहेंगे और 7 फॉरेन प्लेयर्स, यानी कि फॉरेन प्लेयर्स को भी ज्यादा लेना है, इंडियन प्लेयर्स को भी लेना है और ऐसी इन्हें मिलकर अपनी 25 मेंबर की स्क्वाड बनवानी है। तो गाइस सबसे पहले हम लोग बात करने वाले हैं चेन्नई की चाल क्या रहने वाली है, क्योंकि अगर हम लोग बात करें पिछले मेगा ऑक्शन में चेन्नई के पास 47 करोड़ रुपए थे और उतने में इन्होंने 7 करोड़ बचा भी लिए थे, 40 करोड़ खर्च किए थे और अपनी टीम को बेहतर बना लिए थे, लेकिन इस बार तो और अच्छी इनके पास पर वैल्यू है। तो गाइस सबसे पहले हम लोग बात करने वाले हैं चेन्नई के जो प्लेयर्स रहने वाले हैं वो 2 से 3 ऐसे खिलाड़ियों को खरीदने वाले हैं जिनका जो कि बेस प्राइस या फिर इनकी जो प्राइस है वो 7 करोड़ जा सकती है, यानी कि 7 करोड़ या उससे ऊपर के ये 3 खिलाड़ियों को आराम से खरीदते हुए नजर आ सकते हैं। लेकिन चेन्नई को क्वालिटी वाले खिलाड़ी के पीछे जाना पड़ेगा और 3 खिलाड़ियों के पीछे 7 करोड़ के ऊपर की बोली लगा सकते हैं और आसानी से इतने में इन्हें बेहतर से बेहतर खिलाड़ी मिल जाएगा, क्योंकि मेगा ऑप्शन इस तरीके का ऑप्शन होता है कि जिस खिलाड़ी के पीछे 7 करोड़ भी चले जाते हैं वो खिलाड़ी स्टार है, उस खिलाड़ी के पीछे ज्यादा क्रेज है, उस खिलाड़ी के पीछे ज्यादा टीमें जाना चाहती हैं, सब चीज यहाँ पे मालूम चल जाएगा। और अगर ऐसे में 3 खिलाड़ी जो कि 7 करोड़ रहने वाले हैं, यानी कि वो बेस्ट पे बेस्ट प्लेयर इनके टीम में आएगा और चेन्नई को ऐसे ही करने की जरूरत रहने वाली है। रूल नंबर 2 जो दूसरी बात रहने वाली है, इन्हें 2 से 3 ऐसे प्लेयर को खरीदने हैं जिनका आपकी प्राइस 4 करोड़ के ऊपर जाए, यानी कि 4 करोड़ के भी ऊपर वाले 3 प्लेयर को ये आराम से खरीदते हुए नजर आ सकते हैं और उसमें अच्छे अच्छे प्लेयर रहने वाले हैं, क्योंकि 4 करोड़ से ऊपर भी जो मेगा ऑप्शन में जो खिलाड़ी जाएगा उसका भी ऑटोमेटिकली जो क्रेज रहता है, जो हाइप रहती है, उस प्लेयर की जो डोमिनेंस रहती है क्रिकेट में वो ऑटोमेटिकली काफी ज्यादा बेहतर रहने वाली है, काफी ज्यादा अच्छा रहने वाला है, क्योंकि मेगा ऑप्शन में जो कि बेस प्राइस है वो 2.5 करोड़ इसी हिसाब से प्लेयर बिकने वाले हैं। हो सकता है कोई प्लेयर अपने बेस प्राइस से आगे बढ़े ही ना, ज्यादा टीमें उसी पे इन्हें अपनी टीम में शामिल कर लें, और चेन्नई अगर 4 करोड़ के ऊपर भी 2-3 प्लेयर को खरीद देती है तो ऑटोमेटिकली इनकी टीम बेहतर बन जाएगी, बेस्ट में बेस्ट इनकी टीम बन जाएगी और चेन्नई ये दूसरा काम है जो कि इस बार के मेगा ऑक्शन में करती हुई नजर आने वाली है। तो गाइस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको भारत की सबसे बड़ी ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफॉर्म रेडी अन्ना के बारे में बताना चाहूंगा, जहां पे आप सभी क्रिकेट, फुटबॉल और 160 से ज्यादा गेम्स खेल के करोड़ों रुपए जीतते हुए नजर आ सकते हैं। ये 85 ब्रांचेस पे ऑपरेट होता है और यहाँ पे आपको 24/7 विड्रॉल मिल जाता है और यहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन और डॉक्यूमेंटेशन की कोई भी समस्या नहीं होने वाली है। तो नीचे दिए गए कमेंट में पिन हुए कमेंट में लिंक से आप यहाँ पे इनके टेलीग्राम से ज्वाइन जरूर करिए। तो गाइस फाइनल में बात करने वाले हैं तीसरे चीज के बारे में और ये रहने वाला है जो प्लेयर बेस प्राइस में है उन्हें उतने ही रुपए में खरीद लीजिए, ये सबसे बेहतर चीज रहने वाली है, क्योंकि ऐसे काफी सारे प्लेयर्स हैं जिनकी बेस प्राइस 2 करोड़ है, 1.5 करोड़ है, 1 करोड़ है या फिर 50 लाख, 75 लाख, जितने भी इनकी बेस प्राइस है, काफी सारे प्लेयर ऐसे रहने वाले हैं जिनपे टीमें बोली ही नहीं लगाने वाली है और वो खिलाड़ी स्टार होता है। क्योंकि बात कर लिया जाए तो पिछले बार क्रिस लिन के पीछे ज्यादा टीमें नहीं गई थी अपने बेस प्राइस में के, उसके बाद बात करें तो यहाँ पे जेसन रॉय जैसे खिलाड़ी यानी बेहतर से बेहतर खिलाड़ी भी अपने बेस प्राइस में ही बिकता है। और अगर यहाँ पे चेन्नई उन खिलाड़ियों को अपनी टीम में शामिल करना चाहती है तो इन्हें आराम से शामिल कर सकती है, बेहतर से बेहतर प्लेयर को उनके बेस प्राइस में ही अपनी टीम में शामिल करके अपनी टीम को बेहतर बना सकते हैं। और बेस प्राइस इनका 2 करोड़ है, 1.5 करोड़ है, ऐसे खिलाड़ियों को चेन्नई लेती है तो बेहतर होता है, क्योंकि यहाँ पे जो जिनकी बेस प्राइस 2 करोड़ या 1.5 करोड़ है वो बेटर से बेटर प्लेयर्स ने ही अपना नाम दिया है और इतने रुपए में इन्हें ऐसे प्लेयर्स को भी खरीदना पड़ेगा। और ऐसा हो सकता है कि ज्यादा से ज्यादा प्लेयर्स जो कि विदेशी हो या इंडियन हो
उन्हें बेस प्राइस में अपनी टीम में शामिल कर लीजिए और बेहतर से बेहतर टीम बनाने की चेन्नई कोशिश करिए। तो गाइस फाइनल में बात करने वाले अगले चीज के बारे में और ये है लोकल प्लेयर। चेन्नई को यहाँ पे खास ध्यान देना है कि लोकल प्लेयर पे बेहतर बोली लगानी है, पकड़ इन्हें अच्छी करनी है, क्योंकि लोकल प्लेयर अगर चेन्नई की टीम में 3 से 4 साल रहता है तो बैटर बन सकता है, अच्छा खासा नाम कमा सकता है। इंडियन प्लेयर रहता है तो अपना काम और अच्छा कर सकता है, जैसे यश धूल हुए, शाहरुख खान हुए और तमाम खिलाड़ी हो गए, डेवाल्ड ब्रेविस हो गए। ऐसे खिलाड़ियों के पीछे चेन्नई अगर लोकल टैलेंट के हिसाब से जाती है, इन्हें अपनी टीम में शामिल करती है, अपनी टीम में खरीदती है तो बेहतर हो जाएगा, क्योंकि मेगा ऑक्शन इस तरीके का तय रहता है कि आपको पूरे बेहतर खिलाड़ी नहीं मिल जाएंगे। अगर आप सोचते हैं कि आपकी टीम एकदम परफेक्ट बन जाए, सितारों में सज जाए, तो ऐसा आपको मेगा ऑक्शन में नहीं देखने को मिलेगा। आपको सब बैलेंस बना के चलना पड़ेगा और यहाँ पे लोकल प्लेयर्स को भी चेन्नई यहाँ पर ढूंढती हुई नजर आने वाली, अपने टीम में खरीदती हुई नजर आने वाली है। क्योंकि दीपक चहर की बात करें 2018 में लोकल प्लेयर थे, शार्दुल ठाकुर भी 2018 में लोकल प्लेयर थे, उसके बाद ऋतुराज गायकवाड़ भी बात किया जाए तो पहले लोकल प्लेयर थे लेकिन स्टार बने। चेन्नई जानती है स्टार कैसे बनाना है और स्टार पावर की चेन्नई के पास कोई कमी नहीं है। सो गाइस इस तरीके का पूरा फॉर्मेट, पूरा रचना, पूरा व्यू रहने वाला है जो कि मेगा ऑप्शन में चेन्नई यहां पे दिखाती हुई नजर आने वाली है। सो गाइस इतनी सारी चीजें मैं बता दिया हूँ, टारगेट प्लेयर की लिस्ट लगातार बताते जा रहा हूँ, न्यूज पूरा कवर करता जा रहा हूँ। कुछ नहीं करना है, चैनल सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है, क्योंकि आपको कुछ नहीं करना है। शाम को हमारी रोज वीडियो आती है, इसी तरीके की आपको लगातार खबरें मिलती रहेंगी। तो चलिए दोस्तों, वीडियो एंड करते हैं, अब आपको मिलेंगे अगले एनालिसिस के साथ।